देसी चना हाफ के जी को जो है वो हमने 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, फिर इसमें हाफ टी स्पून सोडा डालकर मीठा पानी डालकर इसको हमने बॉयल कर लिया है। अब इसको जो है हम स्ट्रेन करके इसके शॉपर्स बनाकर फ्रीजर में रख देंगे। इससे आप चना पुलाव बनाएं, अंडा ग्रेवी चना बनाएं, पाया चना बनाएं, जो भी आप बनाएं आपको सहूलत रहेगी। और मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि स्ट्रेन करके फिर इसके छोटे छोटे शॉपर बनाकर पैकेट्स बनाकर इसको जो है डीप फ्रीजर में रख देती हूँ। और अभी हम जो है वो चना पुलाव की जो है रेसिपी बनाएंगे, तो वो रेसिपी भी हम आपसे शेयर करेंगे, तो आगे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। बॉयल चने के देखें इस तरीके से पैकेट बनाकर फिर इसे आप डीप फ्रीजर आराम से रख सकते हैं। फिर आप इसे जो है चना पुलाव है, चना ग्रेवी है, पाया चना है, या जो भी आप बनाना चाहते हैं आप आराम से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। एक क्वांटिटी आपकी फैमिली के लिए आपको जितना चाहिए आप इसके पैकेट बनाएं और एक बाउल में या एक शॉपर में डालकर आप आराम से इसे डीप फ्रीजर में सेव कर सकते हैं। और आइए चना पुलाव की रेसिपी भी जो है हम बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं।